नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ठंड को लेकर। अब जनवरी का महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन प्रदेश में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पछुआ हवा से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भयंकर ठंड पड़ रही है। प्रदेश में आज भी पटना समेत राज्य के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में आज सुबह एक बार फिर से कोहरे की मार देखने को मिली। सुबह के वक्त विजिबिलिटी लेवल काफी कम रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच में कई जिलों में पारा 2 से 4 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। पछुआ हवा के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कनकनी पहले से भी ज्यादा महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो जनवरी माह में इस साल सबसे लंबी ठंड पड़ी है। मौसम वैज्ञानिक जनवरी 2022 की अब तक की पड़ी ठंड को सबसे लंबी अवधि की प्रभावशाली शीत बता रहे हैं। इस दिन प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 18 से 20 दिन कोल्ड डे दर्ज किया गया। पटना मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक विवेक सिन्हा की माने तो प्रदेश में शीत ऋतु में हो रहे यह बदलाव अचानक नहीं है। पिछले 2-3 साल से यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस बार यह चरम पे है। आंकड़े बताते हैं कि बर्फीली ठंडक के साथ पछिया हवा जनवरी में अपवाद स्वरूप 2-4 दिन छोड़कर सबसे लंबे समय तक चली। पछिया की रफ्तार और उसके लंबे समय तक टिके रहने से मौसम वैज्ञानिक भी चौके हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि अभी तक पश्चिमी विक्षोभ खास तौर पर उत्तर और मध्य बिहार तक सीमित रहा करता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब यह इसकी जद में जो है पूरा समूचा दक्षिण बिहार आ गया। उन्होंने कहा कि इस बार चलने वाली जेट स्ट्रीम यानी कि तेज ठंडी हवा से दक्षिणी बिहार को अपनी चपेटे में लिया, जो कि अमूमन नहीं होता है। यही कारण है कि दक्षिणी बिहार में जनवरी महीने में सर्वाधिक मौसमी उथल पुथल हुई। विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस बार उत्तर बिहार की तुलना में दक्षिण बिहार में जनवरी में 50-70% अधिक बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक दक्षिणी बिहार के जमुई में 387% तथा नवादा में 247, जहानाबाद में 205, नालंदा में 192, गया में 183, लखीसराय में 152, अरवल में 151, औरंगाबाद में 127, पटना में 103, भोजपुर में 88, बेगूसराय में 83, बांका में 75, रोहतास में 65 फीसदी के अन्य जिलों में भी बक्सर को छोड़कर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तर बिहार में अधिकतम जिलों में इस साल शीतलहर बारिश से सामान्य से कम रही है। तो एक तरह से कहने की मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि यह साल जो है ठंड के मामले में सबसे लंबे समय तक ठंड रहने वाले सालों में से एक रहा। खास करके अगर हम जनवरी के महीने की बात कर लें तो अब तक जो इसमें ठंड है वह काफ़ी ठंड पड़ी है और यह जो है साल सबसे लंबे महीनों में इसका नाम दर्ज हो गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। इजाज़त, धन्यवाद।